my dear students, my dear friends, this is Sivash Kumar Saini and you are watching Leo Academy. After a long time we have been here again. और आज की जो हम लोग की क्लास है वो 11th और 12th पर फोकस्ड है. आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको 4 मार्क्स पूरी तरह से दे सकती है. जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजमेंट. अगर आपने इंग्लिश का रिवाइज सिलेबस देखा होगा तो रिवाइज सिलेबस में एडवर्टाइजमेंट को भी रखा गया है. लेकिन एडवर्टाइजमेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्लासिफाइड और एक होता है डिस्प्ले. तो क्लासिफाइड और डिस्प्ले में से सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले को रखा गया है. तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर ये एडवर्टाइजमेंट है क्या. देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट 2 तरह के होते हैं, एक है क्लासिफाइड और दूसरा है डिस्प्ले. तो क्लासिफाइड में सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, सेल्स एंड परचेज, लॉस्ट एंड फाउंड, टू लेट, एजुकेशनल और मैट्रिमोनियल, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट तैयार होते हैं. अब क्लासिफाइड का जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो इसके बारे में हम लोग फिलहाल आज की क्लास में डिस्कशन नहीं करेंगे. लेकिन डैम श्योर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स बता दूंगा कि इन फ्यूचर में अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इसका एड किस तरह से बनाएंगे. तो चलिए आइए पोस्टर डिस्प्ले में देखते हैं. तो डिस्प्ले में आपको पोस्टर मेकिंग करनी होती है. पोस्टर मेकिंग जो कि बहुत क्रिएटिव, अपने में बहुत ही क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट है और काफी हद तक ये आसान भी होता है. हाँ, उन लोगों के लिए ये ज्यादा आसान हो जाएगा जिनकी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है. तो एक बार और मैं आपको यहाँ पर श्योर कर दूं, पोस्टर में जरूरी नहीं है कि हम ड्राइंग बनाएं. ड्राइंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं है. लेकिन हाँ, हम कुछ फिगरेटिव कर सकते हैं, कुछ डिजाइन तैयार कर सकते हैं, कुछ चीजों को एक तरह से आप कहिए उसको कि हम थोड़ा सा उसको पैटर्न दे करके, थोड़ा सा उसको डिजाइन बना करके अपना पोस्टर तैयार कर सकते हैं. ओके, तो पोस्टर में आपको यही करना है. 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है. इस बार शायद ये 6 मार्क्स में आए. अभी बहुत क्लियर क्लेरिफिकेशन नहीं है इसका, लेकिन ये पोस्टर आना है, जरूर है. ओके, तो चलिए अब हम लोग पोस्टर बनाते हैं. तो आइए चलिए आज हम लोग एक पोस्टर बनाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये पोस्टर बनता किस तरह से है. तो जैसा मैंने बताया कि पोस्टर में आपको क्या करना होगा, कुछ फिगरेटिव्स यूज करने होंगे. पोस्टर में एक बात को और ध्यान रखना होता है कि पोस्टर जो हमारा होना चाहिए वो कुछ ऐसे वर्ड्स उसमें होने चाहिए, कुछ वर्ड्स का अच्छा कलेक्शन होना चाहिए. कैची फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, कुछ डिजाइन यूज कर सकते हैं. पोस्टर आपने देखा होगा, पैम्पलेट्स बनते हैं, स्कूल के पोस्टर बनते हैं और न्यूज़पेपर में बहुत सारे आपने बड़े बड़े एड देखे होंगे. तो वो सारे एड पोस्टर में ही आते हैं. पोस्टर का जो मेन रोल है वो ये है कि आप उसे देखते ही ये समझ जाए कि आखिर वो पोस्टर किसने तैयार किया गया है, या वो कंपनी क्या चाहती है, या वो स्कूल क्या चाहता है, या वो कोचिंग सेंटर क्या चाहता है. उसके अपने फीचर्स होते हैं पोस्टर के अंदर. और पोस्टर में बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है. छोटे छोटे वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स लिखते हैं, स्लोगन्स लिखे जाते हैं, इडियम फ्रेज अगर हो तो वो भी आप लिख सकते हैं. दैट मीन्स ओवरऑल पोस्टर को आपको ऐसा बनाना है कि पोस्टर एक बार में देख करके ही आप समझ जाए कि ये पोस्टर आखिर किसके लिए तैयार किया गया है. ओके, तो आज हम लोग पोस्टर बनाएंगे. सपोज करिए कि एक नई कोचिंग सेंटर की ओपनिंग होने वाली है, तो उनके यहाँ किस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाता है, और उनकी अपनी फीचर्स क्या है, उनकी अपनी फीस स्ट्रक्चर क्या है, एक बैच में कितने बच्चे बैठते हैं, ये सारा कुछ उस कोचिंग सेंटर को दिखाना है अपने पोस्टर में नए सेशन के लिए. क्लियर है? तो चलिए इस पर हम लोग पोस्टर बनाते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उस कोचिंग सेंटर का कोई भी एक अपना अच्छा सा नाम दे देना होगा. तो चलिए आइए देखते हैं. तो उसका हम नाम दे दें कोई. तो नाम ज्यादातर क्या होता है कि उस नेम को आप सेंटर में रखेंगे, बड़ा सा हाईलाइट करके रखेंगे, तभी वो आसानी से समझ में आएगा. तो चलिए नाम हम दे देते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूट. आप कोई भी अपना अच्छा सा नाम दे सकते हैं. अब एपेक्स इंस्टीट्यूट क्या करने जा रहा है, कोचिंग सेंटर ओपन करने जा रहा है. तो एपेक्स इंस्टीट्यूट इज ओपनिंग
new losses from 9 to 10. ठीक है, अब यहां थोड़ा सा डिजाइन बना दीजिए और इसमें लिख दीजिए लिमिटेड सीज। अब यहां पर आप इस तरह से डिजाइन बनाकर टीचर्स दे दीजिए एफ टी के टी यू आर एस टीचर्स। टीचर्स में जो भी आप फीचर देना चाहते हो है ना, टीचर में आप लिख दीजिए सबसे पहले साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स 20 स्टूडेंट्स इन वन बैच फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मंथली टेस्ट प्रोग्राम टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और आप यहां पर फीस स्ट्रक्चर आपको देना है, आप फीस स्ट्रक्चर दे दीजिए फीस 9 and 10 1500 per month, 11 and 12 2000 per month। ओके, अब देखिए इस तरह से आप बनाएंगे। अब इसमें आप जितने अच्छे स्लोगन क्रिएट कर सके, जितने अच्छे और इसमें वर्ड्स आप इनपुट कर सकते हैं, और वर्ड आपको इनपुट करना है तो आप ऐसे इनपुट कर दीजिए हेयर वी टीच यू व्हाट यू लर्न मोर। थोड़ा सा पैटर्न उल्टा हो गया है, अब आप यहां पर इसका एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस कुछ भी आप अपने मन से बना सकते हैं, एबीसी टावर सिग्रा वाराणसी, फोन नंबर 054। तो इस तरह से ये आपका टोटल पोस्टर तैयार हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। पोस्टर बनाने के बाद आप इसे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। तो देखा कितना सिंपल है ये, इस तरह से बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज हमने नहीं किया है, कोई ड्राइंग का यूज नहीं किया गया है इसमें। सिर्फ जो भी आपके वर्ड्स हैं उनका कलेक्शन सही होना चाहिए, उनका प्लेस उनका ऑर्डर सही होना चाहिए। तो देखिए इस छोटे से एडवर्टाइजमेंट से, छोटे से पोस्टर से हमें ये पता चल जा रहा है कि जो एपेक इंस्टीट्यूट है वो नए क्लासेस शुरू कर रहा है 9th से 12th के लिए, और ये सारे फीचर्स हैं उसके यहाँ, सीट्स उनके यहाँ लिमिटेड है, और फीस स्ट्रक्चर भी आपने दे रखा है,
और एक छोटा सा स्लोगन डाल रखा है कि भाई हम आपको वो पढ़ाते हैं जो आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, और सिंपल सा नीचे एक एड्रेस और उसका फोन नंबर दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा पोस्टर सिंगल पेज में बनना चाहिए। ठीक है, तो अब इस तरह से ये तो था कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पोस्टर। किसी शॉप के लिए आप पोस्टर बना सकते हैं, दिवाली पर पोस्टर बनते हैं कि कोई पर्टिकुलर शॉप है वहां पर दिवाली ऑफर आने वाला है तो उसके लिए एक पोस्टर तैयार करिए। सेफ चाइल्ड, सेफ गर्ल चाइल्ड पर पोस्टर बनता है, चाइल्ड लेबर पर पोस्टर बनता है, सेफ वाटर पर पोस्टर बनता है, बहुत सारे पोस्टर क्रिएट किए जाते हैं। हो सकता है इस बार क्लास 12th के एग्जामिनेशन में COVID-19 को लेकर भी कोई पोस्टर आ जाए, तो उस पर भी आप एक पोस्टर तैयार कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? आई थिंक ये पोस्टर आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बहुत ज्यादा इसमें कोई वर्क नहीं है, बस हाँ थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, थोड़ा सा वर्ड वोकैब्स की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख करके आप मुझे अपना प्रॉब्लम व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में मैं दो क्वेश्चन डालूंगा पोस्टर पर, उन दोनों क्वेश्चन का पोस्टर आपको तैयार करना है, तैयार करिए और मुझे व्हाट्सएप पर वो उसकी फोटो भेजिए। जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी व्यूअर का पोस्टर सबसे अच्छा होगा, अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो कि क्लासिफाइड के ऊपर होगा, उसमें मैं उनका पोस्टर शो करूंगा, उनका नाम लूंगा और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। ओके, तो ये देखिए, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इस टॉपिक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। और सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, अगर फिर भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।